सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज की वीडियो में हम चेकआउट करने वाले हैं हाउ टू गेट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी अंडर ऑर्फन कोटा। मींस ऑर्फन कोटा के थ्रू आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो यूजी कोर्सेज एंड जो पीजी कोर्सेज हैं उसमें किस तरीके से एडमिशन ले सकते हो, कौन से आपके सर्टिफिकेट लगने वाले हैं, क्या उनका फॉर्मेट रहने वाला है, कब आपको उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना है, और लास्टली आपका जो सीट एलोकेशन होता है मींस जो आपकी कट ऑफ्स हैं वो आपको किस तरीके से चेकआउट करनी है। बिल्कुल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू आर डूइंग। So, देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो सभी कॉलेजेस आ जाते हैं उसमें जितने भी आपके प्रोग्राम्स हैं हर एक प्रोग्राम में आपकी जो दो सीट्स हैं वो रिजर्व होती है, वन मेल एंड वन फॉर फीमेल, दो सीट्स आपकी जो है वो रिजर्व होती है अंडर ऑर्फन कोटा। यहां पर एक मतलब कि जो बॉय की सीट हो गई और दूसरी आपकी गर्ल की सीट हो गई। इनके लिए आपको क्या करना होता है, पहले अप्लाई करना होता है तभी आप एलिजिबल रहोगे ऑर्फन कोटा के लिए। अब आपको यहां पर अप्लाई किस तरीके से करना है उसके लिए आपको जो पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस है वो आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड में समझना होगा। देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस आता है फॉर यूजी एंड पीजी कोर्सेज वो आपका बेसिकली थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले आपका आ जाता है फेज वन, फिर आपका फेज टू, और लास्टली आपका आ जाता है फेज थ्री। फेज वन में आपको क्या करना होता है, आपको करना होता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है, जो आपका एड्रेस है और जो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, बेसिकली आपके जो टेंथ के और जो ट्वेल्थ के मार्क्स है और जो सीयूटी के मार्क्स है वो आपको यहां पर क्या करने होते हैं, सबमिट करने होते हैं। इसी के टाइम जब आप ये सबमिट करते हो तभी आपसे पूछा जाता है कि आप ऑर्फन कोटा के थ्रू यहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो या नहीं। तो अगर आप इसके थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो तो यहां पर आपको यस पर क्लिक करना होगा, मींस आपको इसके थ्रू अप्लाई करना होगा। उसके बाद वो क्या कहेगा, आपको एक अपलोड सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करने को बोलेगा। सर्टिफिकेट आपको कौन सा अपलोड करना है और उसका फॉर्मेट क्या रहने वाला है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। जैसे आप यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर दोगे आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो फेज वन जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका आ जाता है फेज सेकंड। फेज सेकंड में आपको सिंपल अपनी बनानी होती है प्रिफ्रेंस लिस्ट, मीन्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेजेस एंड जो कोर्सेज आ जाते हैं उन सब का कॉम्बिनेशन के थ्रू आपको क्या बनानी होती है, प्रिफ्रेंस शीट बनानी होती है कि ये कॉलेज एंड कोर्स में मैं जाना चाहता हूँ। ये पूरी लिस्ट बनाने के बाद आपको सबमिट कर देनी होगी और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा फेज सेकंड। फिर आपका लास्टली आएगा फेज थ्री, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और कैंडिडेट्स को सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है वो यहीं पर होता है, क्योंकि यहां पर आपका होता है सीट एलोकेशन, मींस आपको सीट ऑफर की जाती है जिन भी कॉलेज और जो कोर्स की जो आपने अपनी फेज सेकंड में प्रिफरेंस शीट में ऐड किए थे वहां पर अपनी जो कट ऑफ है वो क्लियर करते हो। तो यहां पर जो एलोकेशन है वो टू टाइप से आपका होता है। सबसे पहले तो आपका जनरल एलोकेशन मींस सीयूटी स्कोर के थ्रू आपका एलोकेशन होता है, और फिर आपने जो अपना ऑर्फन जो कोटा है उसके थ्रू अगर आप किसी कॉलेज की कट ऑफ क्लियर करते हो तो उसका जो एलोकेशन है वो आपका कराया जाता है। अगर आपने ऑर्फन कोटा के थ्रू अप्लाई किया हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि जो आप सीयूटी स्कोर के थ्रू आपकी जो सीट है उसकी कोई अगर कॉलेज की कट ऑफ को क्लियर करोगे वो आपको नहीं मिलेगी, दोनों कैटेगरी में तब भी आपको सीट मिलने वाले, मींस जनरल सीट तो आपके लिए रहेगी ही। तो अगर आप किसी सबसे पहले आपके जो जनरल राउंड है वो कराए जाते हैं, मींस जो आपका सीयूटी स्कोर के बेसिस पर एडमिशन है वो कराया जाता है, तो यहां पर अगर आप किसी कॉलेज की कट ऑफ को क्लियर करते हो तो आप यहां पर क्या की जाती है, आपको सीट ऑफर कर दी जाती है। तो अगर आप इस कॉलेज में जाना चाहते हो तो इसकी कॉलेज की सीट एक्सेप्ट करने के बाद, फी पे करने के बाद अपना एडमिशन कंफर्म कर सकते हो। अगर आप वेट करना चाहते हो कि मैंने जो ऑर्फन कोटा है उसके लिए अप्लाई किया हुआ है उसका जब राउंड होगा मैं उसमें चेकआउट करूंगा कि मेरे को कौन सा कॉलेज यहां पर मिला है मैं उस कॉलेज में जाना चाहूंगा, तो यहां पर अगर आपको कोई कॉलेज मिला है तो सीट एक्सेप्ट करने के बाद, फी पे करने के बाद आप यहां पर उसको होल्ड पर रख सकते हो। उसके बाद आपका जनरल राउंड खत्म होने के बाद आपका कराया जाता है सुपर न्यूमरी कोटा राउंड। जो आपका ऑर्फन कोटा होता है वो बेसिकली सुपर न्यूमरी कोटा के अंदर आता है इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब यहां पर जब ऑर्फन कोटा आपका मतलब की जो उसकी लिस्ट है वो लगेगी अंडर सुपर न्यूमरी कोटा, वहां पर अगर आप किसी कॉलेज और कोर्स कॉम्बिनेशन की जो आपने ऐड किए थे अपनी प्रेफरेंस शीट में उसकी कट ऑफ को क्लियर करते हो तो वहां पर आपको सीट क्या कर दी जाती है, ऑफर कर दी जाती है। तो उसमें से अगर आप यहां पर एडमिशन लेना चाहते हो तो आप उसको एक्सेप्ट करने के बाद अपनी जो फी है वो पे कर सकते हो। अगर आपने पहले ही फी पे कर दी थी जनरल राउंड में तो वो फी यहां पर आपकी एडजस्ट हो जाएगी। अगर आपको बेसिकली जनरल राउंड में अगर आपको कोई सीट नहीं मिली थी तो यहां पर आपको सीट एक्सेप्ट करने के बाद ऑर्फन कोटा की थ्रू जो सीट मिली है उसको एक्सेप्ट करने के बाद अपनी फी है वो जो पे करनी होगी। जैसे आप अपनी फी पे करोगे आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाएगा, उसको आप क्या कर सकते हो, फ्रीज कर सकते हो। सो ये सब कुछ आपका जाता है रिलेटेड टू आप जैसे ऑर्फन कोटा के थ्रू आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में किस तरीके से एडमिशन ले सकते हो, इस तरीके से आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस है वो रहता है। अब यहां पर हम बात करते हैं जो आपके सर्टिफिकेट है वो कौन से लगने वाले हैं। तो आप यहां पर चेकआउट कर सकते हो, मैं आपको बता भी सकता हूं कि जो ऑर्फन कोटा है जो आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है वो जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड जो ऑर्फनेज है और साथ साथ जो चैरिटेबल होम है इनके आप जो सर्टिफिकेट है जो रिकॉग्नाइज्ड है वो आप अपलोड कर सकते हो, और साथ साथ आप अपलोड कर सकते हो डेथ सर्टिफिकेट ऑफ बोथ द पेरेंट्स। ये सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करने होंगे तभी आप यहां पर एक वैलिड
वैलिड सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद तभी आप एलिजिबल रहोगे अंडर ऑर्फन कोटा। और हर एक प्रोग्राम में एक बॉय के लिए एंड एक गर्ल के लिए आपकी जो सीट है वो रिजर्व होती है। और एलोकेशन किस तरीके से होता है वो मैंने आपको अच्छे से समझा ही दिया। बाकी अगर आपका कोई डाउट आता है आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, या फिर मेरे से वन ऑन वन बात कर सकते हो रिलेटेड टू सुपर न्यूमरी कोटा, कॉलेज एडमिशन, कोई और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हो आप मेरे से डायरेक्ट यहाँ पर बात कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको फोन नंबर और लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हो। सो ये सब कुछ आपका जाता है रिलेटेड टू दिस वीडियो। होप करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगे इसको लाइक जरूर कर देना, एडजस्ट जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।